क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर भगवान से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में मेरी पूजा उपासना करे उसके घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहनी चाहिए। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इस पवित्र महीने की ऊर्जा आप किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, इस महीने पड़ने वाले जितने भी त्यौहार हैं उनको आप ऊर्जावान तरीके से कैसे मना सकते हैं और किस तरह से भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले सकते हैं, माता तुलसी का आशीर्वाद ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक महीने के बारे में और इसकी पवित्रता के बारे में, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होने वाला है, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना पूजा पाठ के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि स्नान, दान, पुण्यकर्म और जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कार्तिक के महीने में करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इन्हीं चीज़ों से ही हमारा धर्म जो है वो ज़्यादा विलक्षण होता है, अलग सा होता है। अभी कार्तिक का महीना इतना खास क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था सावन के महीने के बारे में और सावन के महीने की पवित्रता के बारे में और उस समय किए गए जो आपके धार्मिक अनुष्ठान थे या फिर पूजा क्रम के बारे में। तो ये जो कार्तिक का महीना है वो धार्मिक अनुष्ठानों के नाम से ज़्यादा पवित्र क्यों हो जाता है, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा त्यौहार आते हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार आएगा, करवा चौथ आएगी, छठ पूजा आएगी, दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी और तुलसी विवाह आएगा। बहुत सारे अलग अलग इसमें त्यौहार आते हैं जो कि बड़े बड़े त्यौहार हैं हिंदू धर्म के और वो सब अब जब मनाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है आपको मिलती है और ख़ास तौर पर ये सारे जो त्यौहार हैं वो कार्तिक के महीने में आते हैं। कार्तिक का महीना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय के नाम से जुड़ा हुआ है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और धरती को पाप मुक्त किया था, इसलिए भी ये जो महीना है वो स्पेशल माना जाता है, विशेष माना जाता है। कार्तिक के महीने से जुड़ी हुई एक और वीडियो मैंने आपके पहले बना चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो हमने तुलसी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्तिक के महीने में माँ तुलसी की पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से, उनके सामने दीपक जलाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, तो इसलिए कार्तिक का महीना जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब आपसे बात करते हैं कि इस महीने में आप क्या क्या करें जिससे आपको इसके एक एक दिन की ऊर्जा आपको मिले, जो त्यौहार आते हैं उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि दीप दान देना बहुत ही ज्यादा शुभ है और इस पुण्य कर्म के करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप दीप किसी पीपल पर दान कर सकते हैं या फिर नदियों में प्रवाहित कर सकते हैं, तो दीप दान करने से आपको जो है पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। दूसरा, हमारे देहात में बड़ी कहावत है कि कार्तिक का स्नान करना बहुत जरूरी होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती। कार्तिक का स्नान यानी कि जो स्त्री जो पुरुष सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस महीने में अगर आप किसी नदी का स्नान करते हैं यानी कि गंगा जी में चले गए, यमुना जी में जाकर आप स्नान करते हैं, तो नदियों में पवित्र जगहों पर जाने में स्नान करने से जो आपको पुण्य प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो आपके पूर्वजों तक भी वो पुण्य पहुंचता है, तो नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। तीसरा ये कि कार्तिक मास में जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आप विशेष तौर पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। आप भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जो है उसका पाठ कर सकते हैं या माता लक्ष्मी का जो स्त्रोत्र हैं उनके पाठ कर सकते हैं, उनकी पूजा आरती कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चौथा ये है कि अगर आप कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजा करते हैं, उनके जो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और उनके पत्तों वगैरह का जो है आप ढंग से ध्यान रखते हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। मैंने तुलसी जी की सेवा के लिए एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है, आप इस आई बटन में जाकर उसको आप देख सकते हैं। विशेष तौर पे आप किस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं ये मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप तुलसी की सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। शाम के वक्त आपको तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाना है जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और आपको तुलसी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ आप दूध भी चढ़ा सकते हैं तुलसी माता को, जिस से भी आपको जो विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो तुलसी जी की सेवा कीजिए ताकि कार्तिक के महीने में उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच सके।
अगला उपाय जो है वह भगवान विष्णु के लेकर है। अगर आप भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कार्तिक मास के महीने में खास तौर पे, तो आप उनके लिए एक जो तिल के तेल का दीपक है उनके सामने जला सकते हैं, जिससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगली चीज़ जो करने योग्य है वो ये, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे धर्म में स्नान दान धर्म अनुष्ठान जो है उनका विशेष स्थान है, तो आपको इस बार दान का ख्याल रखना है। यानी कि आप दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, जिनसे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और देवी कृपा प्राप्त होगी। ग्रहों की स्थिति भी सुदृढ़ करने के लिए इस महीने में पूजा पाठ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर आप इस महीने पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें। जैसे कि हो सके तो आप ज़मीन पर ही सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें और कोई भी तामसी चीज़ ना खाएं, मांस मदिरा से दूर रहें और जो है मन में जो है बुरे विचार ना आने दें और ईर्ष्या के विचार ना आने दें, मन को शांत रखें। इस तरह से अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और आप जैसे मैंने पहले बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम या फिर जो लक्ष्मी जी के मंत्र है उनका अगर आप जाप करते हैं, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। स्कंद पुराण में भी कार्तिक के मास को विशेष मास बताया गया है, क्योंकि इस मास को चतुर्मास का जो चौथा मास है वो कहा जाता है, और इसके अंत में यानी कि जब देवउठनी 11 आती है तब भगवान विष्णु शीर निद्रा से जागते हैं और उनके जागते ही सारे पुण्य कर्म जो है वो शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह के रास्ते खुल जाते हैं, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो रास्ते शुरू हो जाते हैं। तो इन दिनों की गई जो पूजा कर्म पाठ है वो आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाली होती है। तो मित्रों, ये था हमारा एक डिटेल वीडियो कार्तिक मास को लेकर। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करें, माता तुलसी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सारे त्योहारों को बहुत अच्छी तरह से मनाएं, ताकि सारे त्योहारों की ऊर्जा और इस मास की एक एक दिन की ऊर्जा आप तक पहुंचे। भगवान विष्णु आप पे कृपा करें, माता तुलसी का आशीर्वाद आपको मिले और आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास हो, ऐसे ही हमारे प्रभु से कामना है। इसी के साथ दोस्तों, मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति, जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।